वीर शहीद सोमवीर की शहादत पर हमको गर्व है। देश के शहीदों पर नाज करते हैं, उनके जाने का कष्ट जरूर है, लेकिन इन शहीदों की प्रेरणा से ही हमारे जवानों में एक स्फूर्ति आती है। देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हमारे प्रदेश के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं। इसी प्रदेश की जनसंख्या भले हमारी 2% है, लेकिन 10% से ऊपर भागीदारी डिफेंस फोर्सेज में हमारी है। हमें गर्व है, शहीद के परिवार को मैंने सांत्वना दी है और इस परिवार की जैसे हमने योजना बनाई हुई है, नौकरी और 50 लाख रुपया वही शरीर परिवार को दिया जाएगा। पत्नी हमें पास है तो निश्चित रूप से उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनको नौकरी दी जाएगी। सर, यहाँ मांग भी की गई है कुछ गांव के विकास के लिए और उनके नाम पर पार्क और स्कूल में कोई मूर्ति लगाने के लिए। जो भी आवश्यक इस गांव के लोगों को लगता है उसके बारे में विचार करके और निश्चित रूप से इस शहीद के नाम को अमर रखने के लिए इनके नाम से कुछ न कुछ जरूर बनाया। विपक्ष है वो इस पर राजनीति कर रहा है, बार बार सबूत मांग रहे हैं, कुछ इशारे कुछ चुनाव स्टैंड है। मैं समझता हूँ कि देश की रक्षा सुरक्षा को हमारा सबका दायित्व है, मिलकर के ही हमको चिंता करनी चाहिए और इस प्रकार की राजनीति कम से कम सेना के काम में, देश की सुरक्षा के कोई भी जो प्रोजेक्ट होते हैं इसके अंदर किसी प्रकार का राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं विपक्ष से भी अपील करता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी क्या करनी चाहिए?